देखिए स्क्रीन पे आपको दो आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा, एक का नाम है दिस पीसी, एक का नाम है रिसाइकल बिन। दोनों आइकन को सिस्टम आइकन कहा जाता है। सिस्टम आइकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस आइकन को हम लोग नहीं बनाते हैं, इस आइकन को विंडोज़ खुद तैयार करता है। ये सिस्टम जनरेटेड आइकन है इसलिए इसको सिस्टम आइकन कहा जाता है। तो इस दोनों आइकन को कंप्यूटर से हम लोग हाइड कैसे करेंगे, यानी कि डेस्कटॉप पर से हाइड कैसे करेंगे और अनहाइड कैसे करेंगे, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। सिस्टम आइकन को हाइड करने के लिए आपको डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक मेनू दिख जाएगा, इस मेनू में सबसे नीचे लिखा हुआ रहेगा पर्सनलाइज। पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक विंडो स्क्रीन दिखेगा। इस विंडो स्क्रीन में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा थीम, थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक बॉक्स दिखेगा, इसमें से आपको यहाँ पर कंप्यूटर और रिसाइकल बिन वाले चेकबॉक्स को अनचेक कर देना है, यानी टिक हटा देना है। हटा करके यहाँ अप्लाई पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। बस देखिए आपका जो है दोनों आइकन यहाँ से हाइड हो चुका है, यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर से सिस्टम आइकन को हाइड कर सकते हैं, रिसाइकल बिन और माय कंप्यूटर दोनों को हाइड कर सकते हैं। और फिर इससे इसको आप लाना चाहते हैं आप, फिर सेम प्रोसेस को अपनाइए। राइट क्लिक कीजिए, पर्सनलाइज पे क्लिक कीजिए, उसके बाद विंडो स्क्रीन दिखेगा, इस पर थीम पे क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करके अप्लाई पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका जो दोनों आइकन जो छिपाया गया था ये दोनों आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा विंडोज 10 में सिस्टम आइकन यानी कि दिस पीसी और रिसाइकल बिन को कैसे छिपाया जाता है और कैसे लाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो पे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।